तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली काइट कटिंग के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये दिखा दूं, ये कुछ पतंगे और सद्दी भरवा के मैं लेकर आया था। तो ये तो रहा हमारा मंजा, और सद्दी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो ये सद्दी थी मेरे पास, मोटी वाली सद्दी थी, तो ये तो मैं पहले ही भरवा के लिया था, लेकिन ये पतली वाली सद्दी मुझे भरवानी थी। तो आप लोग कह रहे थे कि वीडियो बना देना जब भी पतली वाली सद्दी भरवाने जाओ दुकान की। तो यार, कल जैसे कि मैं गया था दुकान सद्दी भरवाने, तो आपको तो पता ही है कि लॉकडाउन लग गया 3 दिन का। तो जैसे ही मैं दुकान में गया यार, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग पतंग मंजा लेने आए थे, तो वीडियो तो यार बिल्कुल भी नहीं बन पाई। और मैंने काफ़ी कोशिश करी कि वीडियो बन जाए, लेकिन यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी दुकान में और वीडियो तो नहीं बन पाई। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आपको काइट शॉप की वीडियो आगे मिल जाएगी। तो सिर्फ मैं सद्दी भरवा के ले आया था, और कुछ पतंगे लेकर आया हूँ मैं, वो भी मैं आपको दिखा देना। तो ये तो सद्दी भरवा के मैं लेकर आया था पतली वाली, और 170 रुपये की मैं लाया हूँ 4 रील भरवा के। इसमें हाई फ्लायर की सद्दी है, 170 रुपये की 4 रील है। आप लोग कहते हो रेट बता दिए करो, तो मैंने आपको बता दिए। और कुछ पतंगे भी लेकर आया था, पतंगे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये रही मंजोली पतंगे, मैं लेकर आया हूँ। ये मुझे पड़ी है 5-5 रुपये की पतंगे पड़ी हैं मंजोली, और काफ़ी बढ़िया पतंगे लग रही हैं मुझे 5 रुपये में। यार फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है पतंगों की, और डिज़ाइन भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, मांगदार पतंग है, मुड्डेदार में मांगदार है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। और पतंगे भी मैं सोच रहा था काफ़ी ले आऊँ, लेकिन फिर मैं सिर्फ 30 ही पतंगे लेकर आया, क्योंकि पतंगे भी दुकान में ख़त्म हो गई थी। क्योंकि सब लोग को यही लग रहा था कि भाई लॉकडाउन बढ़ेगा आगे, तो सब लोग माल लेकर रख रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और मैं इधर ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई इन कारीगर की ये पतंग है, आप पहुँच करके देख लेना, नंबर नंबर सब लिखा है। ये देखिए फैंसी काइट सेंटर लिखा है, तो आप देख लेना पहुँच करके। तो ये एक चौक डलवा के लाया था मैं, और मैं आपको दिखा दूँ, ये गिलहरा लेकर आया हूँ, एक चौक गिलहरे का एक चौक था, और पीछे ये देखिए कुन्नेदार का एक चौक था। कुछ पतंगे मेरे नीचे रखी हैं इसमें की, और ये ऊपर मैं कुछ ले आया हूँ। और ये देख सकते हैं आप चप्पा, एक ये मांगदार है चप्पा में, ये भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन दिया है। और एंड में जो हमारा एक और चौक है, वो है हमारा ये मुड्डेदार का मांगदार। तो भाई यही पतंगे और सद्दी मैं लेकर आया था। मैं काफ़ी मैंने कोशिश करी कि आप लोग के लिए वीडियो बन जाए, लेकिन यार वीडियो तो नहीं बन पाई काइट शॉप की। लेकिन जैसे ही 13 तारीख तक है, और जैसे ही 14 को खुलता है, तो मैं आप लोग के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए काइट शॉप की वीडियो ला सकूँ। चलो यार, वीडियो के एंड तक देखते रहना। चलो अब करते हैं काइट फाइटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली पतंग के मैंने कन्ने बांध लिए, और ये पतंग मैंने चेक भी कर ली, काफ़ी बढ़िया पतंग है। तो ये रहा हमारा मंजा, तो इस पतंग को अब डायरेक्टली मंजे से पार करते हैं, और फिर आप लोग को पेज में दिखाता हूँ। तो चलो करते हैं इस पतंग को पार, और सामने भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काइट फाइटिंग हो रही है, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया आज का, और जो हवा की स्पीड है वो भी नॉर्मल है। तो आपको क्लियरली पेज भी दिख जाएंगे, और आज ज़्यादातर पेज जो लड़ेंगे वो खींच के पेज लड़ेंगे, क्योंकि मीडियम हवा चल रही है। तो चलो इस पतंग को कर लेता हूँ पार। और हाँ, इंस्टाग्राम में यार मुझे फॉलो कर लेना, जिसने फॉलो नहीं करा है उसका जो मैंने लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मेरे दूसरे चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर सक। तो यहाँ पर हो गई हमारी पतंग पार, आप देख सकते हैं। तो पतंग को हमने कर लिया पार, अब आपको मैं डायरेक्टली पेज लड़ा के दिखाता हूँ। तो वीडियो को देखते रहना एंड तक, और बाद में मैं डमी पतंग की हेल्प से भी आपको पेज समझा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गया हमारा पहला पेज, और जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, मैं नीचे का पेज लिया मैंने। और जो आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी, मेरे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से है। तो ये मैं नीचे से गया, उसने अपनी पतंग पटक दी है पूरी, मैंने पतंग उसे उचका के दी, उसने बाहर को खींची, मैंने स्ट्रेट खींचा, और वो देखिए हमने पहली पतंग काट दी। और दोस्तों, यहाँ पर हमने पहली पतंग काट दी है, और सामने आप देख रहे होंगे ये रही मेरी पतंग। चलो आप सेकेंड पेज लड़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गया सेकंड पेज, और जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग है, मैं नीचे से हूँ। और जो आपको ब्लू सर्कल के अंदर पतंग दिख रही है वो मेरे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से है। तो मैं नीचे से जा रहा हूँ, और इस पेज में शायद आपको मेरी पतंग थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, शायद मेरी पतंग वाइट है इसलिए। तो ये मैं नीचे से गया, मेरा अपोनेंट ने पतंग रखी, बाहर को खींची, मैंने फिर से स्ट्रेट खींचा, और फिर से एक और पतंग काट दी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सेम टू सेम वैसा ही पेज लड़ा था जो इससे पहले हमने पतंग काटी थी। तो यहाँ पर हमने दो पतंगें काट दी हैं, और सामने आपको ये दिख रही होगी मेरी पतंग रही। तो साइड में भी मैं आपको दिखाऊं, तो इधर को काफ़ी ज़्यादा काइट फाइटिंग हो रही है, ये देखिए आगे भी उड़ रही है पतंगे, और इस पतंग से भी मैंने पतंग काट रखी है, ये रही मेरी पतंग, ये रहा मेरे हाथ में डोर। और यार मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा पतंगे उड़ रही हैं, आपको जूम अगर मैं करता तो आपको दिखेंगी, सामने देखिए आप कितनी ज़्यादा पतंगे उड़ रही हैं, ये देखिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आ गया सेकंड फेज। तो जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, मैं नीचे से हूँ, और जो आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से है। तो ये मैं गया, मैंने पतंग उसे उचका के दी है, फिर उसने मारी, फिर से मैंने स्ट्रेट खींच के फिर से पतंग काट दी। तो पता नहीं दोस्तों उधर के लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही मुड्डा बना रहे हैं बाहर का, और मैं स्ट्रेट खींच के उनकी पतंग आसानी से काट दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पेज। तो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी ही पतंग है, और जो आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी उससे मैं पेज लड़ा रहा हूँ। तो ये गया मैं नीचे से, यार मैं लड़ा ग्रीन वाली से रहा हूँ लेकिन ये पिंक वाली मेरे उसमें डाल रही है। चलो पहले इसी की काट के देखते हैं। तो ये देखिए पतंग मैंने थोड़ी सी लंबी करी, मैं गया उसने बाहर को खींचा, और दोस्तों इस बार मेरी पतंग कट गई। और मेरी पतंग क्यों कटी वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डमी पतंग की हेल्प से। तो दोस्तों इस वाले पेज में जो आपको ये वाली पतंग दिख रही होगी ये मेरे अपोनेंट की पतंग थी, और ये जो नीली वाली पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग थी। तो ये मैं नीचे से गया ऐसे करके, अब मेरे अपोनेंट की पतंग जो थी वो लगी हुई पतंग थी। लगी हुई पतंग में क्या था, जब मेरा अपोनेंट ऐसे बाहर को खींच रहा था तो उसकी पतंग अंदर को लग जा रही थी। देखिए मेरे हाथ की तरफ ऐसे अंदर को, वो बाहर को खींचे लेकिन उसकी पतंग अंदर को लग जाए। तो यही हुआ मेरे केस में भी। तो मैं नीचे से गया ऐसे करके, उसने जैसे ही बाहर को खींची मैंने सीधा मुड्डा बनाया, उसी समय उसकी पतंग थी एटी भी, उसकी पतंग अंदर को मेरे हाथ की तरफ लग गई। तो इस चक्कर में मैं ये वाला पेज कट गया। तो जिनकी पतंग एटी भी हुआ करें तो उनसे थोड़ा संभल के पेज लड़ाया करो, या आप हाथ चेंज कर लिया करो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक और पतंग पार कर ली है। तो आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, मैं नीचे से हूँ, और जो आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से है, और वो पीछे से आ रखा है। तो अभी आप देखना, ये गया मैंने उसके हाथ की तरफ भरते, मैंने पतंग उठा के दी है उसे, लेकिन वो नीचे पलटक नहीं रहा अपनी पतंग। चलो फिर से चलते हैं। ये गया मैं, ये पतंग उठा के दी मैंने उसे फिर से, उसने पतंग पटकी, मैंने बाहर को खींचा, उसके अंदर मुंह चेंज करके नीचे मार के, और वो देखिए उसकी पतंग काट दी। तो दोस्तों इस पेज में क्या हुआ, पहले तो मैंने अपनी पतंग बाहर को खींची, और एंड में मैंने अपनी पतंग का मुंह चेंज कर दिया, और ये देखिए मेरी पतंग ये रही। यहाँ पे मैंने अपनी पतंग उठा भी ली, तो ये देखिए हमने यहाँ पे हमने एक और पतंग काट दी है, ये रही मेरी पतंग। तो दोस्तों इस वाले पेज में क्या हुआ, ये हमारे अपोनेंट की पतंग थी वो पीछे से उड़ा रहा था, और ये नीली वाली हमारी पतंग थी हम आगे से थे। तो हमने लिया नीचे का हाथ, मैं ऐसे करके गया नीचे से, उसके बाद क्या करा मैंने, जैसे ही मेरे अपोनेंट ने बाहर को ऐसे खींची तो मैंने भी अपनी पतंग ऐसे बाहर को खींचना दिखाया, मैंने उसे दिखाया कि मैं बाहर को खींचूंगा, और जैसे ही मेरे अपोनेंट ने पूरी खींची उसी समय मैंने अपनी पतंग का मुंह बदल के उसी के हाथ की तरफ नीचे को खींच दिया। तो इस तरीके से ये थोड़ा डबल का पेज बन गया था, और इस तरीके से हमने ये वाला पेज काट दिया। तो ये वाला पेज आप ट्राई करके ज़रूर देखना, काफ़ी बढ़िया पेज है। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया एक और पेज, जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, मैं ऊपर से हूँ, और अब क्या जो हमारा अपोनेंट है उसने नीचे का हाथ लिया है, तो उसकी पतंग जो है ब्लू सर्कल के अंदर आपको दिख जाएगी। तो वो नीचे से है, और जो मेरी पतंग है मैं ऊपर से हूँ। आप लोग कहते हैं ऊपर से भी पेज लड़ाया करो, तो ये वाला पेज हम ऊपर से लड़ा के आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं खाली, ये मैंने पतंग पटकी, मैं सोच रहा हूँ कि वो उसे खींचने दूँ पहले, उसके बाद मैं खींचूँगा, लेकिन जो हमारा अपोनेंट है वो पतंग खींच ही नहीं रहा था, तो मैंने पूरा खींच के उसकी पतंग काट दी, और इस बार उसे मौका भी नहीं मिला खींचने का, और वो देखिए वो जाती है उसकी पतंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आसमान साफ हो गया एकदम। तो दोस्तों अब हम अपनी पतंग को उतार रहे हैं, क्योंकि अब जो सामने हैं वो एक दो पतंगें उड़ रही हैं और वो बच्चे उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे लड़ाने को मना कर दिया है, मेरे आस पड़ोस से उड़ा रहे हैं बच्चे वो, और सामने आपको दिख रही होगी तो सामने कोई भी पतंग नहीं है, और जो पतंगें हैं वो काफ़ी लंबी रेंज में है। और इसी समय देखिए मेरे पास एक पिद्दा भी आके गिरा था, तो सीधे मेरे घर में ही गिर गया, तो मैंने उसे पकड़ा नहीं, वैसे ही वो किसी बच्चे को दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सामने रही मेरी पतंग, तो इस पतंग को मैं उतार ले रहा हूँ, क्योंकि जो अब आगे पतंगें उड़ रही हैं वो काफ़ी लंबी रेंज में है, तो उससे तो मैं पेज लड़ाऊंगा भी, तो आपको वीडियो में तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं सीधे अपनी पतंग उतार ही ले रहा हूँ। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और काइट शॉप की तो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अगर 14 तारीख को खुलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा काइट शॉप पर, और वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए,
और फिर आपको मिल जाएगी जल्दी काइट शॉप की वीडियो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में। और आप लोग मुझसे कह रहे हैं भाई हाउ टू कैच अदर काइट के ऊपर वीडियो बना दो, तो यार उसके लिए यार क्लब काइट फाइटिंग जैसी होगी तो उसकी भी आपको मैं वीडियो दे दूंगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।